तेजस्वी यादव ने खींच ली मोदी की कुर्सी, रुक गई बीजेपी की सांसें, 24 घंटे में हो गया खेल, तेजस्वी ने पलट दी बाजी, हर कोई दंग। मोदी से सीधे भिड़ गए तेजस्वी, लालू यादव की तरह दे दी चुनौती, नीतीश कुमार ने भी बजाई ताली, पक्की हो गई तेजस्वी की ताजपोशी। मोदी पर तेजस्वी ने बोला सबसे बड़ा हमला, बीजेपी को सूंघ गया सांप, बीजेपी के चाणक्य को भी तेजस्वी ने रुलाया, तेजस्वी के ऐलान से हिल गई दिल्ली। इधर भाजपा नीतीश कुमार को बिहार से निपटाने की तैयारी में जुटी हुई थी और उधर तेजस्वी यादव ने आधी रात को ऐसा कुछ कर दिया कि मोदी की नींद गायब हो गई। बीजेपी की टेंशन अब सबसे ज्यादा हाई है, अमित शाह भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने कैसे बीजेपी के साथ खेल कर दिया। तेजस्वी को बीजेपी हल्के में ले रही थी लेकिन यही भूल अब सबसे ज्यादा भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने जो सपने में भी नहीं सोचा था अब वही उसके साथ होने लगा है। ज्यादातर मौके पर तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं बोलते हैं लेकिन इस बार उनका पारा ऐसा हाई हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी में सन्नाटा पसर गया। असल में इस बार तेजस्वी यादव ने मोदी को बुरी तरह फंसा दिया और मोदी का ऐसा सफेद झूठ पकड़ा कि अब बीजेपी वाले मुंह नहीं दिखा पा रहे। तेजस्वी यादव ने कौन सा बड़ा हमला मोदी पर बोला है इसके बारे में बताएंगे लेकिन पहले ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव को मोदी से सीधा पंगा क्यों लेना पड़ गया। असल में कुछ दिनों पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ की कलावती बंदुरकर का जिक्र किया था। अमित शाह ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने जिन कलावती के घर भोजन किया था उनकी मदद राहुल ने नहीं पीएम मोदी ने की। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जैसे ही बात कलावती तक पहुंची उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मदद मिली थी, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी सीधे तौर पर अमित शाह ने सफेद झूठ बोला लेकिन ये तो झूठ की शुरुआत थी, प्रधानमंत्री मोदी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। असल में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात की थी लेकिन प्रधानमंत्री के एम्स वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया और साफ कहा कि वहां पर अभी कोई एम्स नहीं बना और प्रधानमंत्री मोदी ने झूठा दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री को लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की कोई परवाह नहीं है, उनके लिए केवल एक चीज जो मायने रखती है वो है चुनाव जीतना और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और खुद महाराजा बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी दावा किया कि 2024 के चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जानी तय है। असल में बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिनका लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा महत्व होता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। मौजूदा समय में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन वाली सरकार है जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को जिस तरह से घेर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बाजी यहां बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। ऊपर से अब नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी बिहार में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी को सत्ता से हटाने की सौगंध खा ली है। इन दोनों नेताओं के मोर्चा खोलने का सीधा सा मतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि अगर एक बार बीजेपी इन दो राज्यों में हार जाती है तो उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है 2024 में क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, कमेंट में जरूर बताएं।